जैसा कि आदर्श ने बताया कि रघुवीर सहायक पत्रकार थे, तो आपको उनकी कविताओं में उनकी पत्रकारिता की झलक जरूर देखने को मिली। नई कविता के प्रकट स्वर रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा के बाद प्रास्नातक अंग्रेजी साहित्य में लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। रघुवीर सहाय नव भारत टाइम्स के सहायक संपादक तथा दिनमान साप्ताहिक के संपादक रहे। रघुवीर सहाय की कविता हमेशा से कटाक्ष रही है हम सब पर, कैसे हम सब बस इस समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हैं और हंसकर उनकी बातें कर लेते हैं। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उनकी कविता रामदास। रामदास एक ऐसे व्यक्ति की कविता है जिसकी हत्या हो जाती है और हम सब बस देखते रहते हैं, बस बुद्ध बने उसकी हत्या को देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि हत्या हो गई है, पर करते कुछ नहीं। तो मैं पेश करता हूं रामदास। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता ये दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया। सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे ये उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख कर के आए, सधे कदम रख कर के आए। लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वो, मरा पड़ा है रामदास ये, देखो देखो बार बार कर, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी।